ताजातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं कृतिका। इस समय में गरीब वर्ग के लोगों का जीना हुआ मुश्किल। देश भर में ना जाने कितने गरीब लोग ऐसे होंगे जिनको अपनी दो वक्त की रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं। उन गरीब लोगों का दर्द कभी भी सोई हुई सरकार तक नहीं पहुंचता और ना ही प्रशासन तक पहुंचता है। जहां गरीब का पहले जीना मुश्किल हुआ था और इस लॉकडाउन में तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। गरीब और आम वर्ग के लोगों की पोजीशन इस समय इस तरह की बनी है, ना तो वह जी पा रहे हैं और ना ही वह मर पा रहे हैं। ऐसा ही दर्द जिला गुरदासपुर के बटाला के इलाके गांधीनगर कैंप में देखने को मिला, जहां पर एक बुज़ुर्ग बीमार बीमारी से लड़ रहा है और दूसरी तरफ उसके घर में कमाने वाला एक ही व्यक्ति है जो उसका जमाई है और वह भी रिक्शा चलाता है। लेकिन इस समय रिक्शा चलाने वाला अपने परिवार का पालन पोषण किस ढंग से करेगा, ये सभी को पता है। इस गरीब के लिए मुश्किल की घड़ी इस समय यह बनी है कि जिस घर में वह रह रहा है उस घर की छत भी गिरने वाली है और अपने दो छोटे छोटे मासूम पोतों के साथ उस घर में रह रहा है। उस घर में ना तो पानी की कोई सुविधा है और पानी लाने के लिए उसे आधा किलोमीटर घर से जाना पड़ता है और छत का भी कोई भरोसा नहीं, जाने कब उनके ऊपर गिर जाए। सर, इन्होंने गरीबी वाले देख के मैंने बहुत तरस आंदा सी। हर तरह की गरीबी इन्होंने झाकी है, हर तरह की झाक रहे हैं। इन्हों किसी चीज़ की सहूलत नहीं हैगी, ना ही इन्हों किसी राशन की सहूलत है, ना ही इन्हों पानी की सहूलत है। हर तरह की परिस्थिति लंघन डे ने, बहुत ही मुश्किल है इन्होंने वास्ते कि एक जना कमाने वाला पाँच सत्त जने खाने वाले उतों की इन्हों हर पास तो झिड़क दाबे जिधर जाने बच्चे उधर ही इन्हों लानत ही पै रही। जिस समाज से भी औरत के द्वारा हमें उस परिवार तक ले जाया गया, उसका कहना है कि इस इलाके में गंदगी भी इतनी है और लोग तरह तरह का नशा यहाँ पर बेचते हैं और खुद खाते भी हैं, लेकिन किसी भी प्रशासन और पुलिस द्वारा इन नशेबाज नौजवानों पर नकेल अभी तक नहीं कसी गई। और लॉकडाउन के दौरान जिन लोगों को राशन दिया गया वह उन्हीं लोगों को दिया गया जिनको इनकी ज़रूरत नहीं है, जिनके घर पहले से ही राशन भरे पड़े हैं। राजनीतिक पार्टियों द्वारा लोगों को राशन दिया गया जिन लोगों को इनकी जरूरत नहीं थी। प्राइम न्यूज 24 के लिए गुरदासपुर से जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। गरीबी रेखा के बच्चे है, सू तंगी बहुत ज्यादा, पानी की भी तंगी है, होर राशन पानी भी तंगी तंगी है। चाह अस एक पाइया दुध लाने सारे चीज पीने, बाकी होर साडा कदे साडी सब्जी भी आ जाती है, कदे चटनी ना भी खा लें, कदे चार ना भी खा लें, जिन्हें अपना टाइम पास करते हैं बड़ा मुश्किल है। तुहाडे घर च कमाण वाले किन्ने जने हैं? कमाण वाला इस वेले ते इक्को ही है। कौन है वो? साडा जवाई। गरीबी हैगी है, साडे कोल पानी दी समस्या नहीं, लैटरिन बाथरूम है नहीं, गा साडे नालियां दे विच बहुत नरक है। अगर जे पानी किसी दे घर लैण जांदे आ, जे किसी दे घर पानी लैण जांदे आ, पानी भी सानू नहीं दिंदे। जे गली दा वाटर सप्लाई दा पानी लैण जांदे आ, उत्थे सानू दबके वजदे आ, ਅਤੇ ਲੈਣੋ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕਦੇ ਹੱਥ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹਾ ਨੂੰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਬੰਬੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ,